हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट फाइल है प्लैटी हेलमेंथिस, जिसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लैटी हेलमेंथिस जो होते हैं इनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, क्योंकि डोर्सो वेंट्रली इनका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैट होता है, और इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इनकी जो स्पीसीज हैं आप देखेंगे कि वो फ्री लिविंग में जो नंबर ऑफ फ्लैटवर्म है थोड़े कम रहते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन 80% ऑफ फ्लैटवर्म जो है वो पैरासिटिक हो सकते हैं, वो एंडोपैरासिटिक हो सकते हैं और एक्सोपैरासिटिक हो सकते हैं। होस्ट जो है वो वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर कि वो हैबिटेट क्या है उनका, रहते कहाँ है। तो हमने बताया फ्लैट वर्म जो होते हैं सॉफ्ट बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, और ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं। जो फ्री लिविंग है उनको स्पेशल क्लास में रखा गया है, टर्बिलेरियन, जिसको प्लेनेरिया भी बोल देते हैं। उनमें क्या होता है कि वो फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मैरीन में हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में हो सकते हैं। फ्रेश वाटर जैसे ड्यूजेशिया है, प्लेनेरिया है, वही मैरीन वाटर के अंदर कलुलेटा है, टेरेस्ट्रियल सिस्टम के अंदर जो रहते हैं बिप्लीनियम, बीएम जो है वो होता है। सेकेंड क्लास आती है सिस्टोडा, जिनको टेप वर्म्स बोल देते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है टेप के जैसा दिखाई देता है। वो एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट होते हैं, जैसे टीनिया है, एकिनोकोकस। थर्ड क्लास आती है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा जो होते हैं उनको फ्लूक्स भी बोल देते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे डिप्लोजोन के अंदर देखने को मिलता है, और एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे सिस्टोस्टोमा के अंदर देखने को मिलता है। जो मोस्ट कॉस्मोपोलिटन और मोस्ट टॉलरेंट जो ऑल टाइप ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं वो ट्यूबुलेरियन जो हैं वो हैं गायरेट्रिस हर्मेफ्रोडाइटस, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, सी लेवल पे मिल सकता है, सोल्ट वाटर पूल में मिल सकता है। तो डिफरेंट जोन्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। साइज की अगर इनके बात करें तो साइज जो है इनका लेस देन 5 मिलीमीटर से शुरू होकर, जिसको माइक्रोस्कोपिक साइज बोल सकते हैं, तो लार्जेस्ट जो है वो अबाउट 80 to 20 मीटर तक हो सकता है। जो टर्बुलेरियंस है वो सिर्फ मिलीमीटर से कह सकते हैं 0.5 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। ट्रिमेटोड्स की बात करें तो वो 1 to 10 मिलीमीटर तक हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर देखें तो सेंटीमीटर में भी ग्रो कर जाते हैं। स्मॉलेस्ट जो सिस्टोडा है जो कि 1 मिलीमीटर का है, लॉन्ग है, और जो लार्जेस्ट आप देखेंगे वो 80 to 20 मीटर लॉन्ग तक हो सकते हैं। जो लार्जेस्ट है मोस्ट पैथोजेनिक टेप वर्म है वो है डाइफाइलोपोथ्रियम, जो कि 18 मीटर्स तक ग्रो कर सकता है। अब ये पिक्चर में आप देखेंगे ये एकिनोकोकस है, जो कि स्मॉलेस्ट फ्लैट वर्म है। ठीक है, और डाइफाइलो बोथ्रियम जो है वो हमने बताया लार्जेस्ट होता है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं ये, प्लेनेरिया है, फ्लूक्स हैं जो कि अनसेगमेंटेड होते हैं, उनकी बॉडी में किसी तरह का कोई सेगमेंटेशन नहीं दिखता और लीफ लाइक होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेकेंड जो टेपवर्म्स होते हैं वो कहता है रिबन लाइक होते हैं, और उनकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स में, जिनको बोलते हैं प्रोग्लोटिस जो होते हैं उनके नंबर वेरी कर सकते हैं,
टीनिया के अंदर आप देखेंगे तो 100 to 1000 प्रोग्लोटिक्स हो सकते हैं। डाइफाइलोबोथ्रियम के अंदर देखते हैं तो 3000 to 4000 जो कि लार्जेस्ट फ्लैट वॉर्म है। अकाइनोकोकस जो कि बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट है, उसमें 3 to 4 प्लोग्लोटिस होते हैं स्ट्रोबिला के अंदर। स्ट्रोबिला जो होती है बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बोलते हैं, क्योंकि फ्लैट वॉर्म की जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्कोलेक्स जिसको हेड बोल देते हैं, फिर नेक रीजन होता है, फिर बॉडी होती है जिसको स्ट्रोबिला बोलते हैं। तो अकाइनोकोकस जो सबसे छोटा है उसमें 3 से 4 प्रोग्लोटिस होते हैं। फर्स्ट एनिमल है फ्लैटवर्म जिनके अंदर स्फेलाइजेशन देखने को मिलती है, जिनके अंदर हेड जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये हेड बनता है क्योंकि जो सेंस ऑर्गन है, जो ब्रेन है, एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी में एग्रीगेट हो जाते हैं और एक हेड की फॉर्मेशन ले लेते हैं। सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री जो होती है फ्लैटवर्म में, ये भी फर्स्ट एनिमल है जो बाइलेटरल सिमिट्री शो करते हैं। यहाँ पर कोई लेफ्ट और राइट साइड जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाती, लेकिन डोर्सल और वेंट्रल साइड, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड जो है वो डिफाइन हो जाते हैं। ये फर्स्ट एनिमल है जिनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन जो है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने सिलेंट्रेटा में देखा था कि वहाँ पर इंडिविजुअल जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो हो रही थी, इंडिविजुअल जो है वो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म कर रहे थे। बॉडी प्लान जो है वो ब्लाइंड सैक है कि ओनली माउथ प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट नहीं होता। ए सिलोमेटेड ट्रू सिलोम जो है इनके अंदर एब्सेंट रहता है। जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा फिल्ड होता है, जिसको पेरेन्काइम और मीजेन्काइम कह सकते हैं। जर्म लेयर फ्लैट फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स हैं। देन द निडेरियंस और सिलेंट्रेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर मिडल लेयर जो है मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट होती है। ये जो एक्स्ट्रा लेयर है ये कहता है स्पेशलाइज्ड कर देती है एनिमल को बाय फॉर्मिंग देयर मस्कुलर सिस्टम, जिसके कारण एनिमल जो है मूव कर पाते हैं। फ्लैटवर्म्स के अंदर मीजोडर्म और मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन, क्योंकि हमने कहा कि इसमें जो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण डाइजेस्टिव, नर्वस और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो बनते हैं। बॉडी वॉल, यहाँ पर बॉडी वॉल में भी थोड़ी सी वेरिएशन है। जो आउटर सरफेस है अगर वो टर्बुलेरियन है, प्लेनेरिया है, तो उनके अंदर जो है सिंपल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और ये सिंगल लेयर की कॉलमनर एपिथीलियम होती है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहती है। उसके बाद सेवरल लेयर होती है मसल्स की। जो एपिथीलियम है वो ज़्यादातर सीलिएटेड होती है, जिसके कारण वॉर्म जो है वो स्विम कर सकता है थ्रू वाटर कॉलम और ग्लाइड ओवर द सबस्ट्रेट। सिस्टोडा और ट्रेमेटोड्स के अंदर आप देखेंगे एपिडर्मिस जो है वो एब्सेंट होती है। आप नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे यहाँ पर एपिडर्मिस जो है वो एब्सेंट है। सिंपल सबक्यूटिकल मस्कुलेचर कंसिस्टिंग ऑफ सर्कुलर सॉरी जो क्यूटिकल की लेयर होती है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो थे इनके अंदर स्पेशल सेल थे, कॉलमनर एपिथेलियल लेयर थी। यहाँ पर सिंपल क्यूटिकुलर की लेयर है जिसको टेगुमेंट बोल देते हैं, और इसके नीचे जो है वेल डेवलप मस्कुलर सिस्टम रहता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मसल, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, डायगोनल मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। मसल फाइबर जो है वो स्मूथ होते हैं। इसके अलावा जो ये आप देखेंगे इसके जो मस्कुलर लेयर के नीचे जो है ये सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं।
और इनके बीच में ये मीजेनकाइम सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्केल्टन एंड एडहेसिव स्ट्रक्चर जो है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लैटी हेलमेंथिस जो है वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर कोई एक्सो या एंडोस्केल्टन नहीं प्रेजेंट होता। उनका जो पेरेन्काइम है वो ही हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन का काम करता है, लेकिन उनके पास बहुत सारे एडिशन के लिए ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म में है। एसिटाबुलम है, सकिंग ऑर्गन है इन द फॉर्म ऑफ सकर, जो कि कॉमन है अडल्ट फ्लैट वर्म्स के अंदर। जो फ्लूक्स हैं उनके अंदर सकर जो है वो नंबर वेरी कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे ये सकर के थ्रू जो है ये सरफेस पर जुड़ जाते हैं। सकर जो है डिप्लोजोन के अंदर आप देखेंगे प्रेजेंट होते हैं। सकर के साथ साथ क्यूटिकुलस स्पिनिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, स्पिन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं फेशियोला के अंदर देखने को मिलते हैं। सकर के साथ एंकर होते हैं ग्लाइडोडक्टाइलस के अंदर, बोथीरिया और बोथ्रीडियम जो है डाइफाइलोबोथ्रियम के अंदर देखने को मिलते हैं। ये स्पेशल कहते हैं डिप्रेशन से होते हैं जिसके अंदर ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टीनिया के अंदर आप देखेंगे तो सकर और रोस्टेलर हुक आप देखेंगे, टिप के ऊपर रोस्टेलर एक रोज की शेप में जो है वो अरेंज रहते हैं, हुक्स होते हैं, और सकर जो है कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ट्यूबुलेरियंस का अगर हम बात करें, ओडर ओकिला के अंदर इन सम सिस्टोडा के अंदर एब्सेंट होता है। इन ट्यूबुलेरिया और ट्रिमेटोडा के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बाय रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो माउथ फेरेंक्स इंटेस्टाइन विद एंड ब्लाइंडली, जो इंटेस्टाइन है क्योंकि ब्लाइंड सैक प्लान होता है बॉडी का और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है इनके अंदर। जो माउथ है वो प्रिमिटिव जो कंडीशन थी जैसे कि आप प्लेनेरिया में देखेंगे ये मिडल ऑफ द वेंट्रल लाइन में प्रेजेंट होता था। फिर जो विद इवोल्यूशन क्या हुआ कि ये माउथ जो है शिफ्ट हो गया एट द टिप पर, फेशियोला के अंदर देख सकते हैं ये भी मिड वेंट्रल लाइन के टिप पर एंटीरियर एंड पर। फेरेंक्स जो होता है वो भी वेरी करता है, सिंपल फेरेंक्स जो है वो कन्वोलेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। वही फेरेंक्स की अगर बल्ब शेप में हो जाती हैं जैसे कि माइक्रोस्टोमियम के अंदर, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर ये कहता है बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है और प्रोट्यूसिबल होती है। इंटेस्टाइन भी कन्वोल्यूटा के अंदर तो एब्सेंट होती है लेकिन ये सैक लाइक होती है इन माइक्रोस्टोमियम के अंदर, और फेसियोला के अंदर आप देखेंगे तो बहुत लंबी बाइफर्केटेड और हाईली डाइवर्टिकुलम इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है प्लैटी हेलमेंथिस में वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती हैं एंड ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल होते हैं जिनको फ्लेम सेल, फ्लेम बल्ब्स और प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से जाना जाता है, जिनको सोलेनोसाइट भी बोल देते हैं। न्यूमरस जो प्रोटोनेफ्रिडिया है, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रिडियोफोर जो है वो फ्रेश वाटर टर्बुलेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं टू इनफ्लक्स एक्सेसिव वाटर इन प्रिवेंटिंग इन द बॉडी। ठीक है, उनके अंदर जो अब इनके नंबर हैं वो चेंज हो सकते हैं, ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, नेफ्रिडियोफोर जो होते हैं वो भी ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, तो वेरी करते हैं कि सिंगल पोर है या मल्टीपल पोर के द्वारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में खुलते हैं। सिस्टोडा के अंदर 4 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी वेसल्स हैं और ये जो वेसल्स हैं ट्रांसफर वेसल के द्वारा जो स्कोलस हेड रीजन के अंदर जो है प्लेक्सिस बना लेती हैं, एक नेटवर्क बना लेती हैं नेफ्रिडियल का, और ओपन होती हैं कॉन्ट्रेक्टाइल एक्सक्रीटरी वेसल एट द इन द लास्ट प्रोग्लोटिड के अंदर जो है ओपन आउट होती हैं। इन मोनोजेनिक ट्रिमेटोड्स के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर 2 लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट हैं
और दोनों जो है सेपरेटली डोर्सल सरफेस पर खुलती हैं, और ये डक जो है टर्मिनल एंड पर डायलेट हो जाती हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सैक। और कुछ ट्रेमेटोड्स के अंदर एक्सक्रीटरी डक जो होती हैं वो पोस्टेरली कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ बाय ट्रांसवर डक, और बाहर आउटसाइड में खुलती है बाय सिंगल मीडियन अपर्चर। तो वेरी करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनके अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो हैं और उनकी ओपनिंग वेरी करती हैं। तो इस तरह के फ्लेम सेल्स रहते हैं, और ये इनके अंदर ये क्या सीलिया होते हैं, ये बीट करते हैं और ये पुश कर देते हैं फ्लूइड को इन ट्यूब्यूल सेल्स में, और ट्यूब्यूल सेल से ये एक्सक्रीटरी वेसल से होते हुए एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है इनके अंदर जो मेन नर्वस सिस्टम ब्रेन जो कि स्कोलेक्स या हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है एक पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियन। आप यहाँ देख सकते हैं दो सेरिब्रल गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट है। ये सेवरल जो है सेमी सर्कुलर होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो फेरेंक्स के चारों तरफ जो है एक रिंग बना लेते हैं, और वहां से बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स निकलती है, वेंट्रल साइड, लेटरल साइड, डोर्सल साइड। लेकिन जो डोर्सो लेटरल साइड की होती हैं वो प्रोमिनेंट होती हैं, कॉन्सिपिकस होती हैं और फंक्शनल होती हैं, बाकी जो कॉर्ड्स होती हैं वो इनसिग्निफिकेंट होती हैं, और इन सबको आपस में जोड़ती हैं ट्रांसवर्स कनेक्शंस जो कि लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड के बीच में, और पूरा नर्वस सिस्टम आपको एक लैडर की तरह दिखाई देता है। सेंस ऑर्गन जो है वो आई प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि प्लेनेरिया के अंदर स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं कॉन्वोल्यूट्स के अंदर, तो इस तरह के सेंस ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है टेप लाइक बॉडी होती है और बहुत सेगमेंट में डिवाइड होती है, जिनको हम प्रोग्लोटिड बोलते हैं, और ईच प्रोग्लोटिड के अंदर एक मेल और एक फीमेल जेनाइटल या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको हम हर्मेफ्रोडाइट प्रोग्लोटिड भी बोल देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, वेल डेवलप है, और ऑर्गेनिज्म जो है हर्मेफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल होते हैं, और एडवांस टाइप का जो रिप्रोडक्शन जो है वो पैरासिटिक फॉर्म में देखने को मिलता है, और इनकी जो रिप्रोडक्शन पावर जो होती है बहुत हाई होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल विद क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है, पार्थोजेनेसिस जो है पैरासिटिक फॉर्म में दिखाई देती है, डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है इन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन जो पैरासिटिक फॉर्म है उनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लार्वा जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में बनते हैं, वे फ्री स्विमिंग होते हैं। प्लेटी हेलमेट के अंदर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है, जिसमें ट्रांसफर फ्यूजन रहता है और सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है थ्रू ट्रांसफर डिवीजन, और जो लॉस्ट पार्ट होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर पोलैरिटी देखने को मिलती है फाइलोलैक्टिक रीजनरेशन में, कि अगर माउथ पार्ट है तो वो बॉडी पार्ट बना लेता है, और अगर बॉडी पार्ट है तो वो स्कोलेक्स जो है वो बना लेते हैं, तो इस तरह की रीजनरेशन देखने को मिलती है। सिस्टोड्स जो हैं टैपवर्म जिनको बोलते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उनके अंदर जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और फर्टिलाइज देमसेल्फ, उनको किसी सेक्सुअल यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिखा शो करते हैं। मैच्योर टैपवर्म में कहता है जो मल्टीपल टेस्टिस जो है इनके नंबर जो है मल्टीपल में होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव और जो ओवेरियन डक्ट होती हैं वो क्लोइका या ओ टाइप या यूट्रस ऑफ द फॉर्म में लीड करती है। एग्स जो हैं ओ टाइप के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर स्पर्म एंटर करते हैं फ्रॉम, और फिर वजाइना के थ्रू जो है स्पर्म एंटर कर जाते हैं ओ टाइप में, और वहाँ पर जो है ऑलरेडी वो एग रहता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
क्रिमेटोड्स हैं, फ्लूक्स हैं, वो भी हर्मेफ्रोडाइट हैं, उनके अंदर भी मेल और फीमेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। मेल पार्ट में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस होता है। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरी, ओविडक्ट, ओटाइप, वाइटल एंड ग्लैंड्स हैं और यूट्रस प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन जो है ऊ टाइप के अंदर होती है और एग जो है वो स्टोर भी हो जाते हैं टेम्परेरीली, ठीक है। और फ्लूक जो होते हैं उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों एबिलिटी रहती हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है स्पर्म जो है शेयर्ड हो जाते हैं बिटवीन टू फ्लूक्स विद इन द सेम होस्ट बॉडी। ट्यूबुलेरियन जो है प्लेनेरियन है, वो भी हर्मेफ्रोडाइट हैं। उनके अंदर दो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट, दे अलोन कैनॉट फर्टिलाइज देयर ओन एग। ट्यूबुलेरियन जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं। उनके अंदर दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। पहला कि वो अपने ही एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं विद इन देम, है ना। उनको स्पर्म जो है अदर प्लेनेरिया टू फर्टिलाइज द एग जो है वो यूज हो जाते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बाय फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के द्वारा एंड रीजनरेशन के द्वारा होता है। प्लेनेरियन जो है स्क्वीज इट्सेल्फ बिहाइंड इट्स फेरिंग्स एंड सेपरेट इट्सेल्फ इनटू टू हाफ। स्क्वीज कर जाते हैं बिहाइंड द फेरिंग्स और दो पार्ट में सेपरेट आउट हो जाते हैं और बाद में ये दोनों पार्ट जो है रीजनरेट कर जाते हैं, रीग्रो कर जाते हैं देयर मिसिंग हाफ। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लैटिहेलमिंथिस के। उसके बाद हम इसकी लाइफ हिस्ट्री और डेवलपमेंट जो है वो डिटेल में, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनका डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो डिटेल में करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।